मुखिया कमलनाथ जी के निर्देश पर भू माफियाओं और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ शाजापुर जिला प्रशासन सख्त हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि जिसके चलते शहर के भू माफियाओं और अवैध अतिक्रमण को अब बख्शा नहीं जाएगा। नगर पालिका एवं पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की आज शाजापुर में शुरुआत हो चुकी है और भू माफियाओं और अवैध मकानों को लेकर शाजापुर नगर पालिका की ओर से सूचना और नोटिस भी जारी हो चुके हैं। निर्देश पर जो शासकीय जमीन पर है या जिन्होंने निर्माण अनुमति के विपरीत निर्माण किए हैं उनको पहले विधिवत सूचना पत्र दिए गए हैं और मौके पर आकर उन्हें चिन्हांकित भी किया है और आज उसी क्रम में पर्णा गार्डन में जो अवैध निर्माण था उसकी निगरानी कार्रवाई की जा रही है। शहर में से कितने भवन चिन्हित किए गए हैं? अभी हमने 6 व्यवसायियों को नोटिस दिए हैं और आने वाले 2-3 दिन में उन पर हम कार्रवाई करेंगे और लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। शहर में कई स्थान है जो शासकीय जमीनों पर बने हुए हैं उनको भी चिन्हांकित किया जा रहा है प्रशासन द्वारा और ये कार्रवाई हमारी अब निरंतर जारी है। सर आज और कहां पर होगी कार्रवाई इसके अलावा? अभी हम इसके बाद समय मिलता है तो दूसरे स्थान पर जाएंगे। ये पहला टारगेट ये है। ठीक। कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार लगभग 10 से 12 लोगों का चिन्हांकन किया गया है नगरी क्षेत्र में और आज से हमने कार्रवाई चालू कर दी है। जी सर, ये कार्रवाई हो रही है, अभी जो कार्रवाई शुरू की है जैसे जो पक्के मकान है पक्के दुकान है उन पर तो कार्रवाई जा नहीं पा रही है? नहीं, आज से स्टार्ट हुई है, चिन्हांकन कर लिया है, नियमानुसार सबके दस्तावेज देखकर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह के नोटिस जारी किए गए? ये नगर पालिका एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की है, जो वैध अनुमतियां नहीं है उन्हें पहले डिस्ट्रॉय किया जाएगा। जो पॉलिटेक्निक कॉलेज उसके आधे से ज्यादा जमीन भूमाफियाओं के कब्जे में है उसका सीमांकन किया जा रहा है और सीमांकन में कुछ पॉइंट नहीं मिल रहे हैं उसको मशीन के द्वारा किया जाएगा। सर इसके बाद अभी और कार्रवाई कहाँ पर? रोजाना चिन्हांकन किया गया, कुछ न कुछ रोजाना। आजाद चौक में एक सरकारी भवन के ऊपर कई दुकानें हैं जिसको लेकर काफी विवाद चल रहा है, कई नोटिस दिए जा चुके हैं, इसके बावजूद भी खाली भी नहीं हो पाई है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है, क्या उन्हें भी नोटिस दिए गए? सर जिला कांग्रेस कमेटी का भवन ही यहाँ गायब है जिनके लिए जमीन आवंटित हुई थी, उस जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, उसकी भी जाँच चल रही है। जिले में चल रहे रिश्वत के खेल में